हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। बात समझ में है क्या? क्लियर? ठीक। अब देखो इसकी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री नेक्स्ट पॉइंट। ज्योमेट्री क्या है इसकी? टेट्राहेड्रल। ठीक है, कैसी ज्योमेट्री इसकी? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे बनाएंगे? सी एल एन आई सी एल सी एल और ये सी एल। ठीक है, डैश 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 और ये डैश डैश डैश। माथे पर कितना चार्ज है? टू माइनस का। क्लियर बात? ये होएगा पूरा सॉल्यूशन। इस तरीके से आप लोगों को करना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला एग्जांपल। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या पढ़ रहे हैं अपन? चार पढ़ रहे हैं। ठीक है, चार के लिए पढ़ेंगे। क्लियर ये वाली चीज? ठीक। तो देखो चार के लिए एक एग्जांपल तो एन आई सी एल फोर लिया ही था, दूसरा एग्जांपल क्या लिया था? एन आई सी एन फोर टू माइनस। ठीक है, इसको देखते हैं। देखो वही निकल 28 क्या होगा? ऑर्गन 3d8 4s2। बताओ ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका। ठीक, नेक्स्ट देखो, एक दो तीन चार और ये पाँच, क्या है ये? 3d। थोड़ा सा इधर करके लिखते हो ना तो दिखेगा नहीं आप लोगों को। थ्री डी फोर एस 4p और ये 4d। बात क्लियर? देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, सॉरी 6 7 और ये 8। बात क्लियर ना? ठीक है, देखो इससे पहले भी तो 8 था, है ना? 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। क्या भर दी? एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये 8। बिल्कुल सही है। चलो ठीक है ना। देखो एन आई सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्गन 3d8 4s0। क्लियर ये वाली बात? देखो भरेंगे 3d 4s 4p और ये 4d। ठीक है, देखो 8 इलेक्ट्रॉन को बताओ सी एन है तो पेयर कर दूँ, कितने पेयर होंगे मैक्सिमम? 4। तो 1 2 3 और ये 4। अब बताओ हाइब्रिडाइजेशन में एकदम वेकेंट ऑर्बिटल काम में आएंगे तो यहाँ से इंक्लूड करते हैं 1 2 3 4। देखो सी एन माइनस सी एन माइनस सी एन माइनस और ये सी एन माइनस, 4 हो गए। देखो 1d 1s और 2p ऑर्बिटल मिलकर बनाएंगे 4dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, देखो ये 4 ऐसे। समझ में ही मेरी बात? तो देखो इसमें हाइब्रिडाइजेशन है सबसे, है ना? पहला पॉइंट वाई है, ये हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू dsp2। ठीक है, ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर। और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कैसे बनाएंगे? देखो जरा निकल ये सी एन ये सी एन ये सी एन और ये सी एन।
और ये टू माइनस आ गया क्या स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एन बराबर क्या है जीरो, तो म्यू बराबर क्या था एन एन प्लस टू बराबर भी ज़ीरो। क्लियर बताओ ये जीरो तो ये कैसे नेचर का हो जाएगा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो तो ये प्रति चुंबकीय प्रकृति का होगा। आई क्या बात समझ में ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर चार वाले कॉम्प्लेक्स भी पूरे हो चुके हैं। क्लियर ये चीज ठीक है। अब आप लोगों को मैं एग्जांपल दे देती हूँ वो आप लोगों को करने हैं ठीक है। दस बार एग्जांपल लिख देती हूँ कर लेना आप लोग। K3FeCN6 दूसरा देखो NiCO4 नेक्स्ट NiNSO4 नेक्स्ट FeCO5 नेक्स्ट पाँचवा ऐसे लिख लो एक दो तीन चार पाँच ZnOH4 टू माइनस छठा देखो MnHCO5 नेक्स्ट CuCl4 टू माइनस आठवा प्लेटिनम NS3 4 टू प्लस नौवा Na2PtCl4 ठीक है। दसवा CO H2O6 Cl3 ग्यारहवा CONH3 4 Cl2 Cl बारहवा NH3 5 Cl2 ठीक है। तेरहवा FeH2O5NO+ ठीक 13 हो गए। चौदहवा COF6 3- ठीक है। पंद्रह PtEn2 2+ सोलहवा CONEn2 Cl2 Cl प्लस एक ही बात है Cl लिख लो प्लस लिख लो एक ही बात है ना। यहाँ पे आप Cl भी लिख सकते हो प्लस भी लिख सकते हो। Ni NH3 6 2+ ठीक है। अठारह K4 Fe
H2O6। 19वां, ZnNH3O4+, ठीक है। 20 में लिख लो आप लोग Cl4 कर लिया क्या आप, इसको 3 माइनस करो, यहाँ पे 2 माइनस नहीं 3 माइनस, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट FeCl6+3-, ये कर लेना, ठीक है। 20 आप लोगों को, ये 20 के 20 देखो एग्ज़ाम्पल, 20 के 20 एग्ज़ाम्पल कर लोगे ना तो VBT ऐसी हो जाएगी, पूरी ज़िंदगी लग कट गुजर जाएगी, लेकिन VBT भूलोगे नहीं। समझ में आ रही है मेरी बात है, ठीक है। तो आप क्या करना, इन एग्ज़ाम्पलों को सॉल्व कर लेना, ठीक है। सॉल्व कर लोगे तो आप लोगों के सारे कंसेप्ट ईजिली क्लियर हो जाएंगे। लेकिन देखो सॉल्व करो ना तो ऐसे ट्रिकबाजी मत करना, ठीक है। जैसा स्टेप वाइज आप लोगों को समझाया है, स्टेप वाइज आप लोगों को बताया है, ठीक है, आप लोगों को वैसे ही चलना है। ऐसे नहीं हम तो छोटा छोटा कर लिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन पता पड़ गया, बाकी सब को छोड़ दिया, ठीक है, वो चीज़ मत करना, पूरा पूरा इसका सॉल्यूशन करना है। क्लियर ये चीज़, ठीक है। ये आप लोगों को खुद को करना है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। करोगे तो आ जाएगा, और देखो नहीं आए तो बुक से देख लेना एग्जाम्पल, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और कभी मौका मिला तो मैं बता दूंगी आंसर, ठीक है। तो देखो ये तो थी VBT की थ्योरी है ना, उसकी एग्जाम्पल, उसकी एक्सप्लेनेशन। देखो इतनी थ्योरी देने के बाद भी क्या है, VBT की कुछ सीमाएं थी, है ना। और वो सीमाएं क्या थी, सीमाएं क्या थी उसमें VBT की, पढ़ेंगे लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ VBT, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके, लिमिटेशन ऑफ VBT, ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT की सीमाएं। देखो पहली सीमा, मुझे एक बात बताओ, अपन ये जो हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे थे अभी, अपन क्या यूज कर रहे थे, मेटल के ऑर्बिटल, है ना, N-1D NS NP ND मेटल के तो थे, लिगेंड ऑर्बिटल की कोई बात नहीं करी। क्लियर क्या, ठीक है। दैट मीन्स वी विल से दैट VBT involve only metal based orbital, not ligands orbital. बात क्लियर क्या, VBT हमेशा 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 metal based orbital को तो include करता है, लेकिन ligand based orbital की कोई explanation नहीं देता है। क्लियर ये वाली चीज़, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया ना, VBT valence बॉन्ड थ्योरी बेस्ड ऑन ऑन ओनली मेटल बेस्ड, या मैं से लिख दूं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन्वॉल्व ओनली, है ना,
इन्वॉल्व ओनली मेटल बेस्ड ऑर्बिटल्स, इट इज नॉट इंक्लूड इंक्लूड लिगेंड इंक्लूड लिगेंड इट इज नॉट इंक्लूड लिगेंड ऑर्बिटल्स, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन्वॉल्व ओनली मेटल ऑर्बिटल्स, मेटल बेस्ड ऑर्बिटल्स, नॉट लिगेंड बेस्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। इट इज नॉट इंक्लूड या इन्वॉल्व लिगेंड ऑर्बिटल्स, बात क्लियर क्या? पहला पॉइंट तो ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, अब मुझे एक बात बताओ, नॉर्मली अपन क्या पढ़ते हैं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो खुद या तो कलरफुल नेचर के होते हैं, या अगर लैब में अपन जाते हैं तो बहुत सारे कंपाउंड कलरफुल नेचर के दिखाई देते हैं, ठीक है। वो कलरफुल नेचर के होते हैं। अभी इतनी एक डेढ़ घंटे से VBT चल रही है, ठीक है, उसमें कहीं पर भी इसकी कोई कलर प्रॉपर्टी की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। मतलब ये कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रंगीन प्रकृति के होते हैं, क्यों होते हैं VBT इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। दैट मीन्स वी विल से दैट VBT डज नॉट एक्सप्लेन द कलर प्रॉपर्टी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। मैं यहाँ लिख दूँ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी does not explain color properties of the coordination compound, explain the coordination compound, कलर प्रॉपर्टीज़ की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, ठीक है क्या? दूसरा पॉइंट भी क्लियर, ठीक है। VBT के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू VBT क्या कहता है कि जो कोबाल्ट सेकंड है, नेक्स्ट पॉइंट है ये, है ना, कोबाल्ट सेकंड है, आसानी से एक इलेक्ट्रॉन देता है और कोबाल्ट थर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर। That means cobalt second is a most reducing metal ion. Clear? According to VBT. Clear? ऐसा होता भी है, बिल्कुल। Cobalt second एक strong reducing agent है, की भांति कार्य करता है, easily electron donate कर देता है। Clear ये वाली चीज? ऐसा ही electronic configuration Cu first में भी पाया जाता है, copper first में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन सॉरी Cu सेकंड में भी पाया जाता है, लेकिन Cu सेकंड आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है, ठीक है। 3d7 3d9, एक एक इलेक्ट्रॉन वैसा ही होता है जैसा कोबाल्ट में होता है, लेकिन ये इस इलेक्ट्रॉन को नहीं खोता है। मतलब VBT इसके रिड्यूसिंग नेचर की तो एक्सप्लेनेशन देती है, लेकिन कॉपर के रिड्यूसिंग की नेचर की कोई एक्सप्लेनेशन VBT नहीं देता है, ठीक है। उन्होंने कहा कि कोबाल्ट सेकंड के जो भी कॉम्प्लेक्स बनते हैं प्रबल औपचारिक प्रकृति के होते हैं, लेकिन कॉपर सेकंड के क्यों नहीं होते हैं जबकि लगभग सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है, इनकी कोई एक्सप्लेनेशन VBT के पास नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये वाला पॉइंट लिख दूँ, अकॉर्डिंग टू VBT according to VBT, CO second complexes complexes shows most reducing nature and easily
कन्वर्ट इनटू एंड इजीली कन्वर्ट इनटू CO3 कॉम्प्लेक्सेस और आयन। ठीक है, क्लियर ये चीज। इसका अगले वाले स्टेटमेंट लिखूं, CO2 ऑल्सो हैव ऑलमोस्ट also have almost same electronic environment as CO second but it is not a strong most की जगह आप strong भी लिख सकते हो ना, strong रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू VBT CO सेकेंड कॉम्प्लेक्सेज शोज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर एंड ईजीली कन्वर्ट इंटू CO थर्ड कॉम्प्लेक्सेज और आयन। CO सेकेंड ऑल्सो हैव ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट एज कोबाल्ट सेकेंड बट इट इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड does not convert into CO third complexes। ठीक है, ये क्या हो गई उसकी नेक्स्ट लिमिटेशन। क्लियर, क्या समझ में है आप लोगों को बात? ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तीन पॉइंट क्लियर हो गए, पॉइंट वाइज आप लोगों को ये बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तीन पॉइंट क्लियर हुए। नेक्स्ट देखो कई मेटल आयन ऐसे होते हैं जो H2O OH- Cl- F- इनके साथ तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं, जबकि CO Cn- NO+ इनके साथ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। क्यों ऐसा होता है, VBT इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर ना। मैंने क्या कहा, कई मेटल कॉम्प्लेक्सेस F-Cl-Br- इन लिगेंड के साथ या फिर OH-H2O के साथ क्या करते हैं, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं, जबकि COCN- इन लिगेंडों के साथ ये क्या करते हैं, इनर ऑर्बिटल की कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। क्यों करते हैं, ऐसा क्यों होता है, VBT इनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। क्लियर, क्या ठीक है। देखो, मेटल आयन और एटम फॉर्म आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स विथ H2O OH-O-2 F-Cl-Br-I- एक्सेट्रा लिगेंड्स। ठीक है, मेटल आयन एटम फॉर्म आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स विद H2O F-Cl-Br-I- एक्सेट्रा लिगेंड, वेयर एज इट इट फॉर्म इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस विथ लिगेंड CO NO+ CN- एक्सेट्रा। VBT the
फॉर्मेशन ऑफ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, द फॉर्मेशन ऑफ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस डज नॉट एक्सप्लेन बाय वैलेंस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बात क्लियर क्या? ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन बीबीटी नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बीबीटी, नेक्स्ट पॉइंट D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, मतलब वो निकल वाला है, Ni2+ वाला और उसके नीचे वाले ग्रुप वाला है ना, Ni2+। ठीक है, बीबीटी क्या करता है, जो D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रखते हैं, ठीक है, उन मेटल वो वाले मेटल 5 कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बीबीटी इनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँ बीबीटी डज नॉट एक्सप्लेन, बीबीटी डज नॉट एक्सप्लेन द 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ द मेटल आयंस विच हैव D8 Ni2+ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ठीक है, मैंने क्या लिखा, BBT does not explain the 5 coordinated coordination compound of the metal ion which have D8 और example इसका Ni2+ और इसके ग्रुप वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, उनकी कोई एक्सप्लेनेशन BBT नहीं देता है। ठीक है, दूसरी चीज BBT ना तो इनऑर्गेनिक रिएक्शन बोल तो कॉम्प्लेक्स की रेट ऑफ रिएक्शन को इन्वॉल्व करता है, ठीक है, और ना ही उनकी मैकेनिज्म को। क्लियर क्या? तो मैं यहाँ पे लिखूँ बीबीटी डज नॉट एक्सप्लेन द रेट ऑफ द रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। बात क्लियर क्या? ठीक है, नेक्स्ट लिमिटेशन बीबीटी डज नॉट एक्सप्लेन द रेट ऑफ द रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, इनकी एक्सप्लेनेशन बीबीटी नहीं देता है, ना तो अभिक्रिया के वेग की और ना ही अभिक्रिया की क्रियाविधि की कोई एक्सप्लेनेशन बीबीटी देता है। ठीक है, नॉर्मली ये उनको इंक्लूड ही नहीं करता है। क्लियर क्या? ठीक है, बीबीटी के द्वारा अपन डाइपोल मोमेंट एकदम करेक्ट मान के साथ बोले तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है, क्या होती है, इनकी एक्सप्लेनेशन भी एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बीबीटी नहीं देता है। तो नेक्स्ट लिमिटेशन लिख दूँ बीबीटी डज नॉट एक्सप्लेन द मैग्नेटिक डज नॉट एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये बात भी समझ में आई क्या? ठीक है, बीबीटी क्या करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की भी सही एक्सप्लेनेशन बोलते एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, तो लिख दो ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन प्रॉपर वे,
इन प्रॉपर वे। बात क्लियर क्या? ठीक है, ये बात भी क्लियर। नेक्स्ट देखो, वीबीटी कॉम्प्लेक्स की थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी की व्याख्या भी नहीं करता है, है ना। मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थर्मोडाइनमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी शो करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वीबीटी इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, वीबीटी डज नॉट एक्सप्लेन, वीबीटी डज नॉट एक्सप्लेन द थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टीज, या मैं लिख दूँ थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी, ऐसे लिख दी हूँ, थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। वीबीटी डज नॉट एक्सप्लेन द थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर क्या? ये वीबीटी देखो आप लोगों की, इसकी लिमिटेशन और इसकी एक्सप्लेनेशन जो भी थी ये समाप्त हो चुकी है, ठीक है। क्लियर, मतलब वीबीटी कंप्लीट हो चुका है। क्लियर, देखो वीबीटी की लिमिटेशन कंप्लीट हो चुकी थी, ठीक है। अब अपन ये स्टार्ट करेंगे इसके आगे, नॉमनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नॉमनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नोमनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। किस तरीके से करेंगे नोमनक्लेचर, ठीक है। देखो नोमनक्लेचर करने के लिए तो सबसे पहले तो अपने को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन करना वो चाहिए, है ना। पहले तो क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीसीज की आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है, उस पर चार्ज क्या है। समझ में आ रही मेरी बात है, ठीक है। चार्ज क्या है, चार्ज क्या होने का मतलब क्या है कि जीरो है, प्लस है कि माइनस है, समझ रहे हो आप मेरी बात है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होती है, उस पर चार्ज की बात कर रही हूँ मैं। क्लियर क्या ये वाली बात, ठीक है। तो देखो इसमें जब भी नोमनक्लेचर करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जैसे अपन ये करते हैं पॉजिटिव स्पीसीज और नेगेटिव स्पीसीज पहचान ली। जैसे NaCl है, NaCl में पॉजिटिव स्पीसीज क्या होती है Na+ और नेगेटिव स्पीसीज क्या होती है Cl-। समझ रहे हो मेरी बात है, ठीक है। तो देखो अपन लिखते भी इसे NaCl है, मतलब पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, और नाम भी इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड है ना। नाम भी क्या लिखेंगे कि इसका सोडियम क्लोराइड, और देखो दोनों का नाम लिख दिया, और नाम के बीच में अपन क्या छोड़ेंगे, थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, क्योंकि जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीसीज का नाम लिखा जाता है ना, तो उनके नाम के बीच में क्या छोड़ा जाता है, गैप छोड़ा जाता है, सोडियम क्लोराइड। बात क्लियर क्या, ठीक है। अब देखो ये हो गया, ये तो नॉर्मल सा जो अपना आयनिक कंपाउंड है उसकी बात करें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी तो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना। क्लियर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो देखो उसके लिए जैसे मैं लिखूं, जैसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर अपन ने पहचान ली, पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है कैसी होती है, ठीक है। देखो ऐसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर देखो ऐसी होएगी, ठीक है, या ऐसे होएगी या फिर ऐसे होएगी। समझ में आ रही है आप लोगों को बात है, ठीक है। तो देखो अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर सबसे पहले न्यूट्रल हो, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसी हो, न्यूट्रल, और न्यूट्रल का मतलब क्या है, Ln₀। क्लियर क्या ये वाली चीज़, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या लिखेंगे अपन, नेम ऑफ द लिगेंड, ठीक है। पहले क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द लिगेंड, फिर क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द मेटल। क्लियर, फिर क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द मेटल। क्लियर क्या ये वाली चीज़, ठीक है। फिर लिखेंगे प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ
मेटल इन रोमन लेटर। क्लियर? क्या नेम ऑफ द लिगेंड करेंगे, फिर लिखेंगे नेम ऑफ द मेटल प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन रोमन लेटर। बात क्लियर? क्या समझ में है आप लोगों को? इस तरीके से इसका नाम लिखा जाता है। अगर लिगेंड संख्या में दो हो तो लिगेंड के नाम से पहले डाई, अगर तीन हो तो नाम से पहले ट्राई, है ना, अगर चार हो तो नाम से पहले टेट्रा वर्ड यूज़ करते हैं, पाँच हो तो पेंटा, ठीक है, और छः हो तो हेक्सा वर्ड यूज़ करते हैं। ये भी बात समझ में है आप लोगों को? हेक्सा वर्ड यूज़ किया जाता है लिगेंड के नाम से पहले। क्लियर ये चीज़? ठीक है, ये इस तरीके से लिखा जाता है एम एल एन ओ, जो मतलब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेज होते हैं उनका नाम। जैसे मैं नाम लिखूं, एग्जांपल लिया मैंने एन आई सी ओ फोर, ठीक है, देखो इसका नाम, नाम देखो क्या लिखूंगी, टेट्रा चार है ना, चार के लिए टेट्रा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, टेट्रा कार्बोनाइल है ना, निकल, निकल जीरो कॉम्प्लेक्स। आई क्या बात समझ में? एक ही वर्ड में नाम लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पे ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, सिर्फ न्यूट्रल है। क्लियर ये चीज? ठीक है, ऐसे ही मैं लिखूँ, देखो मैंने लिखा एफ ई सी ओ फाइव है ना, इसका नाम देखो कैसे लिखा जाएगा, पेंटा कार्बोनाइल आयरन, ठीक है, आयरन जीरो कॉम्प्लेक्स। क्लियर? इस तरीके से न्यूट्रल स्पीसीज कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखा जाता है। क्लियर ये वाली बात भी? ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैंने लिखा जैसे ये पॉजिटिव होती है ना, ये पॉजिटिव होती पॉजिटिव स्फीयर, तो नाम कैसे लिखते हैं, वही सबसे पहले क्या करते हैं, नेम ऑफ द लिगेंड, ठीक है, क्या करते नेम ऑफ द लिगेंड, फिर क्या लिखते नेम ऑफ मेटल आयन है ना, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। क्लियर क्या ये बात? इन रोमन लेटर। बात क्लियर? इस तरीके से लिखा जाएगा। समझ में ही बात? ठीक है, अब देखो ये हो गया, ठीक, अब इसके बाद में दूसरी चीज़ कि अपन नेगेटिव स्पीसीज अगर आ जाए, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, है ना, सुनना, एम एल एन माइनस ये हो, ठीक है, तो वही लिखते हैं नेम ऑफ द लिगेंड, है ना, क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द लिगेंड प्लस नेम ऑफ मेटल प्लस ए टी ई, नाम के अंत में मेटल का जो नाम होता है ना उसमें क्या लिखेंगे अपन, एट वर्ड लिखेंगे, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन इन रोमन लेटर। क्लियर क्या ये वाली बात भी? ठीक है, अब देखो इस तरीके से इनके नोमेनक्लेचर की जाती है। ठीक है, अब देखो आप नोमेनक्लेचर करोगे, ये लिख लिया, क्लियर, अब देखो एग्जांपल देखेंगे इनकी, पहले तो वो वाली चीज़ समझना, एक और चीज़ समझो, एक और चीज़ क्या समझनी है, यदि लिगेंड एक से अधिक प्रकार के, एक से अधिक प्रकार के हो तो क्या लिखोगे, यदि लिगेंड एक से अधिक प्रकार के हो तो, एक से अधिक प्रकार के हो तो
उनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखा जाता है। समझ में आ रही है? उनका नाम क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखा जाता है। जैसे मैं लिखूँ CO NH3 प्लस, नाम क्या लिखूँगी इसका? देखो हेक्सा एमीन है ना, कोबाल्ट थर्ड आयन, ये इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये होता CO NH3 4 Cl2 Cl, तो इसका नाम क्या लिखते मैं? अब इनको देखो, ये एमीन ए से स्टार्ट होती है, ये क्लोरो से सी से स्टार्ट होता है, तो इनका नाम क्या लिखूँ मैं? टेट्रा, क्योंकि चार है ना, टेट्रा एमीन। देखो दो ये आ गए, चाहो तो आप एक को हटा सकते हो या दोनों को रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डाई क्लोरो कोबाल्ट थर्ड, और थोड़ा सा स्पेस छोड़ा, क्लोराइड, ये क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा। समझ में आप लोगों को बात? क्लियर? नेक्स्ट देखो, मैं लिखूँ K4 FeCN6, ये है ना, इसका नाम लिखना है, तो नाम कैसे लिखूँगी मैं? पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, थोड़ा सा स्पेस छोड़ा, हेक्सा साइनम फेरेट, ठीक है, सेकंड, इस तरीके से इनका नाम लिखा जाएगा। क्लियर का ये वाली बात? ठीक है, अब देखो नॉर्मली जैसे ये है, और अपन जीरो और पॉजिटिव, अगर न्यूट्रल और पॉजिटिव स्पीशीज आ जाती है तो उनके नाम में, बोले तो लिगेंड के नाम में, ये चाहो तो मेटल के नाम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। बात क्लियर क्या? ठीक है,